मित्रों, आज हम आपसे एक बड़े अनमोल रिश्ते की बात पर गौर करना चाहते हैं। आपसे अपने कुछ विचार हम विमर्श करके आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, यूं तो रिश्ते बहुत सारे होते हैं, भाई बहन के, पति पत्नी के, बाप बेटे के, लेकिन एक जो अनजान रिश्ता जो होता है, जो परिवार से न होकर के एक दूसरे परिवार से, जहाँ पर दो परिवार आपस में मिलता है, पति पत्नी का रिश्ता। आज हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में दरारें आती जा रही हैं, बहुत सारे अलगाववाद हमको देखने को मिल रहा है, कोर्ट में केसेस पति पत्नी के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि प्रगति के साथ साथ ये तलाक में भी प्रगति क्यों हो रही है? पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत ही आंतरिक और बहुत ही पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में दरारों का आ जाना आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। आज हम इसी पर थोड़ा विचार करेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते में ये रिसाव क्यों हो रहा है, ये धीरे धीरे दरार क्यों आ रही है, और दरारें बढ़ते बढ़ते दो सिरा पकड़ लेती हैं, एक तरफ पति एक तरफ पत्नी, और दोनों का नज़दीक आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, विवाह यौवन अवस्था में होता है, शरीर की डिमांड भी यौवन अवस्था में अलग रहती है। जब एक स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं, तो ग्रंथों में भी कहा गया है, आपने वात्स्यायन जी के विचारों को पढ़ा होगा, कि काम यानी सेक्स ये कितना अमूल्य भाग है आपके जीवन का। सेक्स नहीं तो सृष्टि नहीं। इस सृष्टि को आगे बढ़ाए रखने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाए रखने के लिए आपको इसका सहारा लेना ही पड़ता है, और ये एक पवित्र बंधन के दौरान हमें समाज में मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो किसी से भी तो शारीरिक रिश्ता रख नहीं सकता, रिश्ते की भी मर्यादा होती है। तो स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का जो रिश्ता है, उसे सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मित्रों, ये जो काम, इसे हम गलत तरीके से न देखें, ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्त्री भले ही चाहे कितनी सुंदर हो, पति भले ही थोड़ा नॉर्मल किस्म का हो, लेकिन अगर वो काम में सक्षम है तो पत्नी का प्यार उसे भरपूर मिलेगा। और एक उसका दूसरा एंगल भी है, पति अगर कहीं तरह से इस शारीरिक क्रिया में कमज़ोर पा जाता है, तो धीरे धीरे पत्नी का उससे दूरियां बढ़ती रहती है, और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते कभी कभार व्यक्तिगत स्तर पर भी आ जाती हैं, गाली गलौज होने लगता है, यहाँ तक कि लोग कोर्ट कचहरी तक मामला पहुँच जाता है, और धीरे धीरे दूर होते होते एकदम से दूर हो जाते हैं। मित्रों, हमारे समाज में, खास करके भारतीय परिवेश में, हम डरते हैं अपनी कमज़ोरी को किसी से शेयर करने में, और यही कमज़ोरी हमें इतना कमज़ोर बना देती है, जब हम किसी शेयर नहीं करते तो हम अपने आप अलग हो जाते हैं, बीवी अलग हो जाती है, पति अलग हो जाता है, बच्चों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, बच्चे ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, उनका भी एजुकेशन और करियर एकदम से कुप्रभावित होकर के एक अच्छे मोड़ पर समापन की तरफ नहीं जा पाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम शास्त्र, जैसे अन्य शास्त्र होते हैं, तो ऐसे भी काम शास्त्र है, काम क्रीड़ा, जो हर एक से नहीं होता है, आप अपनी पत्नी के साथ ही करते हैं। हर पुरुष की अपनी जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हर एक का अलग अलग होता है। तो स्वाभाविक है, कोई पुरुष कहीं पर बायोलॉजिकली इतना ज़्यादा फिट ना हो कि अपनी पत्नी को वो सुख दे पाए। पत्नी का भी इसमें बड़ा रोल होता है कि अपने पति की कमज़ोरी को समझे, उसे प्रोत्साहित करे। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि आप कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर कमज़ोर आप उसके ऊपर ब्रूडिंग करते रहेंगे। मुर्गी जिस तरह से अपने अंडे को सेकती है, उसी तरह से आपने कमज़ोरी को दिमाग में ला करके सेकते रहेंगे तो कमज़ोरी दूर नहीं होगी। तो इसलिए इस झिझकतेपन को दूर कीजिए, और एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और उससे सलाह लीजिए कि आखिर हमारी शारीरिक क्रिया, जो सेक्स है, जो काम है, वो अपने क्लाइमेक्स तक, पूर्णता तक क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। दोस्तों, आपने सुना होगा, जब पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी
जब एक साथ स्खलित होते हैं तो उस समय को कहते हैं क्लाइमेक्स पीरियड, यानी आप चरमोत्कर्ष पे रहते हैं। चरमोत्कर्ष पर जाने के बाद ही आप एक दूसरे को संतुष्ट कर पाते हैं और यहीं पर गर्भधारण की भी अवस्था होती है। आज हम देख रहे हैं कि शादी के पश्चात स्त्रियां जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वो चाहती तो हैं लेकिन कहीं कहीं प्रेगनेंसी उनके आड़े आ रही नहीं हो पा रहे हैं, वो तो डॉक्टरों के पास जाना शुरुआत हो जाती है। तो हमारे लिए कौन उत्तरदायी है इस समय पर प्रेग्नेंट न हो पाने के लिए? ज़रूर कहीं कहीं हमारा खान पान, हमारी दैनिकचर्या, ये सारी चीज़ें। मित्रों, मैं आपको कुछ नुस्खे बताना चाहूँगा जिससे हम इस कमजोरी को दूर कर सकें। देखिए, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, स्त्री भी शिक्षित है, काम भावना को कोई एकदम अनाड़ियों की तरह इसको नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो एक साइंटिफिक क्रिया है, एक वैज्ञानिक क्रिया है, तो इससे आप वैज्ञानिक तरह से ही करें। आप धीरे धीरे, आपने ओरल सेक्स का नाम सुना होगा, तो आप उसको चुंबन के माध्यम से चुंबन की, देखिए प्यार को चुंबन नहीं तो और क्या चाहिए, तो प्यार की भाषा चुंबन की होती है, जानवर भी चुंबन की भाषा को समझते हैं। तो ये क्रिया जो काम क्रिया होती है, शयन क्रिया जो होती है, हड़बड़ाहट में मत कीजिए, इत्मीनान से, एक प्राइवेसी जहाँ पर हो, किसी का आना जाना ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पर, और आप धीरे धीरे से ओरल सेक्स से शुरुआत कीजिए। आप उन अंगों को स्पर्श कीजिए, उन पर चुंबन दीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में एक स्फूर्ति आए, एक काम की भावना आप में उत्पन्न हो। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तनावग्रस्त रहिए, तनाव रहित रहिए। आप किसी तरह का तनाव लेंगे तो आपकी इस काम क्रिया में ज़रूर बाधा आएगी। तो निश्चिंत होकर के और एक ओरल सेक्स के इस शुरुआत करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और इसमें पत्नी का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। संस्कृत में भी कहा गया है कि पत्नी जो है जब बिस्तर पर होती है तो पति के साथ उसका एक जिस तरह से प्रॉस होती है, प्रॉस्टिट्यूट होती है, वेश्या होती है, उस तरह का उसका रोल उसकी तरह होना चाहिए। माता का भी रोल है, एक परिचारिका का भी रोल है, तो उसी तरह से पत्नी का एक जो हम काम की क्रिया होती है उसमें भी उसका अहम रोल है और उसको अहम ढंग से पूर्णता के साथ सहयोग करना चाहिए अपने पति का। और दोस्तों, योगा, आपको कहीं बहुत बड़े जिम में जाकर के, हमने देखा है बड़े बड़े पहलवान भी यहाँ पर स्खलित हो जाते हैं, शयन क्रिया अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो शरीर से बलवान आपको नहीं बनना है, आपको दिमाग से बलवान बनना है। सारी चीज़ें आपकी मानसिक प्रक्रिया पर होती है। ये कहा गया है, अ मैन विदाउट सेक्स इज नॉट ए मैन। तो आपको उन चीज़ों पर गौर करना है, आखिर कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी काम की क्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं, कहाँ पर कमजोरी हो रही है। शीघ्र पतन, आज आपने देखा हो, रेलवे पे आप जाइए तो रेलवे की खिड़कियों से आप देखेंगे फला फला हकीम से मिलिए, अगर आप शीघ्र पतन से परेशान हैं। लोग परेशान तो होते हैं, अच्छे डॉक्टरों के पास जाते नहीं, नीम हकीम से दवाइयाँ ले लेते हैं और जो है स्थिति और बेहतर होने की जगह पर और बदतर हो जाती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि चौबे गए छब्बे बनने, बन गए दूबे, तो इस तरह से नीम हकीमों के पास जाने से आपकी स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो जो लोग सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे, उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं सेक्स के, आप उन्हीं के पास जाएं, आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको अपना डॉक्टर खुद बनना है। आप अपने आहार पर ध्यान दीजिए, अपने योगा पर ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन और उठने बैठने पर ध्यान दीजिए, आपका समय से भोजन करना, समय से सोना, समय से उठाना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हृष्ट पुष्ट पुरुष बनाएगी और तब जाकर के आप पति और पत्नी का ये जो रिश्ता है, जो कि बेड पर हम बिस्तर होने की कमजोरी से जो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, उससे दृढ़ होगा। और दोस्तों देखिए, कभी भी आप इस चीज़ को, आप इसको लजाइए मत, शर्माइए मत, कोई हीन भावना आप में नहीं आना चाहिए। हर आदमी पैदा होता है, पैदा होने की क्रिया सबको पता है, इट इज़ द ओपन सीक्रेट, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। डॉक्टर से खुलकर आप बात कीजिए, या अपने परिवार में भी किसी सीनियर मेंबर से आप इस तरह की बातें करके अच्छी सलाह ले सकते हैं। और इन नुस्खों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि अवश्य इसमें आपको लाभदायी होगा।